अगली खबर है, बात करते हैं जबलपुर की, जहां शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पठान का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली पठान को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर जबलपुर के किसी भी मॉल ने शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म लगती है तो उसका विरोध किया जाएगा। साथ ही अगर कोई घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी मॉल संचालक की होगी। विश्व हिंदू परिषद के विभाग प्रचार प्रमुख सुमित सिंह ठाकुर ने चेतावनी स्वरूप मॉल संचालकों को अल्टीमेट्स दिया है कि अगर 25 दिसंबर को पठान फिल्म लगती है और कुछ घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। उन्होंने बताया कि जिस तरह से शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने फिल्म पठान ने भगवा वस्त्र का अपमान किया है, वह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबलपुर के सभी मॉल संचालकों को चेतावनी दी गई है कि अपने मॉल में पठान फिल्म ना लगाएं। उन्होंने सेंसर बोर्ड से भी मांग की है कि फिल्म में भगवा वस्त्रों से संबंधित सीनों को हटा दिया जाए। विश्व हिंदू परिषद ने बीते दिनों भी पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में जाकर शाहरुख खान की फिल्म की शूटिंग का विरोध किया और शूटिंग रुकवा दी थी। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जमकर हंगामा किया था। वहीं शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म का गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वर नंद ने भी विरोध किया था। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जबलपुर महानगर के द्वारा हमने आह्वान किया है कि पठान फिल्म को हम किसी भी टॉकीज में रिलीज नहीं होने देंगे। जिस प्रकार पठान फिल्म में शाहरुख खान के द्वारा भगवे का अपमान किया गया है, सनातन धर्म का अपमान किया गया है, उसको लेके हमारी ये खुली चेतावनी, हमने समदड़िया मॉल बिग बाजार दोनों को चेतावनी दे चुके हैं और कल 12 बजे हमारा एकत्रीकरण है वंदे मातरम चौक पे। हम यहाँ से आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और फिल्म को किसी भी कीमत पर जबलपुर में पूरे विश्व हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत में रिलीज नहीं होने देंगे।